ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ଅଜୟ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରିଲେ 212 ଭାରତୀୟ, ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 9 ଓଡ଼ିଆ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା। तो खास करके एठी इंडियन गवर्नमेंट बहुत बहुत प्रोएक्टिव है कि काम कर छथि। वी थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिरे आउ नाही लुह मनरे आउ नाही भय। देशर माटी छुईबा परे इजराइल रो फेरितिबा भारतीय माने खुशी रे हेले गदगद। विमान बंदर रे पहुंचिबा क्षणी युद्ध स्थिति रो अनुभूति बखाणिले। सुरक्षित निज देश को फेरिबा परे सते जेपरि एक नुआ जीवन पाइथिले से माने। भारत सरकार को पदक्षेप को सलाम कले, धन्यवाद देले। युद्धर घमाघोट भीतर ऑपरेशन अजय जरिए स्वदेश फेरिचंती प्रथम बैच भारतीय। प्रथम बैच रे फेरिचंती जने शिशु का समेत 212 जन भारतीय। 12 तारीख राति 9:00 रे एक स्वतंत्र चार्टर्ड विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट रु उड़ीबा आरंभ करितिला। एहा भारत रे 13 तारीख सकाळे अवतरण करिछि। केन्द्र मंत्री राजीव चंद्रशेखर एयरपोर्ट रे निजे उपस्थित रही भारत फेरीतिबा नागरिक मानंकु स्वागत जणैछंती। कांस्टेंटली आमो संगे से माने कांटेक्ट रे थिले। गूगल फॉर्म्स माने हमकु प्रोवाइड करथिले हाई कमिशन रे तरफ। हां हां माने एम्बेसी तरफ रु तो से माने आमठु डाटा नै कि से माने इमीडिएटली से माने इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट करथिले। तो जादुरा कि बहुत शीघ्र फास्ट फ्लाइट आसी कि पहुंचला। आहरी बहुत सारा फ्लाइट आसी प्रोसेस रे अछि। ओवरऑल ऑपरेशन मैं यही बोल रही हूं कि एक हफ्ते के अंदर ही सारी चीजें सेटल हो गई हैं। एक हफ्ते के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं, सिर्फ एक्शन लिया है, तो दैट इज वेरी प्रेसफुल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। ऑपरेशन अजय रे स्वदेश फेरिबा को इच्छुक भारतीयों को लागि इजराइल रो मागणा रे चार्टर फ्लाइट एवं अन्य बंदोबस्त करिछंती केंद्र सरकार। सेपटे तेल अभी रामला रे सहायता पंजीकरण व्यवस्था होइतिबा बेले दिल्ली रे खोलीची 24 घंटिया कंट्रोल रूम। सूचना अनुसार इजराइल रे प्राय 18,000 भारतीय रहउतिबा बेले सेमानक मध्यरु प्राय 14,000 लोक इजराइली वयोवृद्धक केयर गिवर भाबरे कार्य करंती। अन्य माने मुख्यतः हीरा व्यवसायी, आईटी प्रोफेशनल और डाक्टरी छात्र छात्री। एक्चुअली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी है, तो हम लोग को एक्चुअली डर नहीं लगता क्योंकि इसराइल की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये डर था कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ है, तो थोड़ा डर जाते हैं हम लोग थोड़ा। मतलब अब अपने देश आके एकदम से शांति मिल रही है, बट हम लोग बहुत डर गए थे। पहली बार सायरन सुनना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया जो सही टाइम पर लोगों को इवैक्यूएट किया, क्योंकि पोलैंड में भी अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, इवन ऑलमोस्ट कर ही लिया, और धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। पूर्वरु मध्य विभिन्न देश रे युद्ध स्थिति बेले भारतीय को उद्धार लागि भारत सरकार को तरफरु विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशन कार्यकारी होइथिला। अफगानिस्तान रु ऑपरेशन देवी शक्ति, यूक्रेन रु ऑपरेशन गंगा एवं सुदान रु ऑपरेशन कावेरी जरिए प्रवासी भारतीय को उद्धार करा जायथिला। आउ एबे इजराइल रु उद्धार पई आरंभ होइछि ऑपरेशन अजय। गत शनिवार ठारु इजराइल और पालेस्टाइन मध्यरे चलिथिबा ए घमाघोट युद्धरे उभय पक्षर बहु लोकंक मृत्यु होइसरथिबा बळे बहु भारतीय एबे बि सेठारे फसि रहिछंती। सेमानंकु सुरक्षित भाबरे उद्धार करि स्वदेश फेराय आनिबाकु भारत सरकार तत्परता प्रकाश करिछंती। ब्युरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।